देशभर तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के सोनीपत रोड से आ रही है, जहां पर नकली बीड़ियां बेची जा रही थी। जहां पर कंपनी के द्वारा एक दुकान पर पहुंचती है, जहां पर उनसे बीड़ी मांगी जाती है, तो उनके हाथ में नकली बीड़ियां थमा दी जाती है। उसके बाद जो है कंपनी के अन्य अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचे और उनके गोदाम पर जब चेक किया गया तो वहां पर नकली बीड़ियां का जो है एक तरह से काफ़ी बीड़िया के बंडल जो है वहाँ पर मिले, काफ़ी पैकेट वहाँ पर मिले। उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस से दी गई कंप्लेंट के मुताबिक उनको बताया गया कि यहाँ पर नकली बीड़ियाँ बेची जा रही हैं, और सुबह से ही जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं सुबह 4 बजे से ही अलग अलग दुकानों पर जाकर जो है इस तरह की छानबीन कर रही थी। और जिसमें इस दुकान पर जब कंपनी का कर्मचारी पहुँचता है तो उनसे बीड़ी मांगी तो उन्होंने उसके हाथ में नकली बीड़ी थामा दी। उसके बाद जो है पुलिस को वहाँ पर मौके पर बुलाया गया और उनके गोदाम की जब जाँच की गई तो वहाँ पर जो है भारी जो है काफ़ी जो है नकली बीड़ी जो शिव बीड़ी है उनकी वहां पर मिली। और उसके बाद जो है कंपनी के मैनेजर के बयान पर लिखित शिकायत दी गई, और शिकायत के बाद जो है गोहाना सिटी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया और उसके बाद जो है आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं वासुजा ट्रेडिंग कंपनी है जहां पर ये जो है नकली बीड़ी कल सुबह जो है मिली है, और उसके बाद जो है पुलिस ने हरकत में आई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जब उसके गोदाम में चेक किया गया तो काफ़ी जो है बीड़ियाँ वहाँ पर नकली मिली। और आप तस्वीरें देख सकते हैं गोहाना के सोनीपत रोड पर स्थित वासुजा ट्रेडिंग कंपनी, जी यहाँ पर मिलती है नकली बीड़ियाँ। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि गोहाना के सोनीपत रोड पर इस दुकान पर नकली बीड़ियाँ मिल रही थी। आप सावधान हो जाएं क्योंकि गोहाना में भी और भी अन्य दुकानों पर भी जो है नकली बीड़ियाँ मिल सकती है, लेकिन वासुजा ट्रेडिंग कंपनी में जो है कल छापेमारी की गई और भारी संख्या में जो है वहाँ पर बीड़ियाँ मिली हैं। और उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा शिकंजा कसा गया और देर रात जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और अब आगे की छानबीन भी की जा रही है किस तरह से कितने दिनों से यहाँ पर वह इस नकली बीड़ी बेचने का काम कर रहा था। अब पुलिस जो है मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की छानबीन भी कर ली जाएगी और आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए कंपनी के मैनेजर के द्वारा क्या सूचना दी गई। तो किस जो है एक बीड़ी की दुकान पर आज सुबह अपने छापेमारी की थी, क्या सुबह मार्केट में हम बहुत मार्केट में घूमा देखा पूछताछ किया है, आज से नहीं घूम रहे हैं, हमारा बंदा कम से कम 15 दिन से घूम रहे हैं पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो आज घर जाने के वक्त एक काउंटर में मिला, नकली मिला, फिर पुलिस थाने में आया गोहाना में, आके खबर दिया। यहाँ का पुलिस बहुत सेवा दिया है, जो काम होना चाहिए वही वैसे ही किया है। हम पुलिस को अपनी तरफ से और हमारे कंपनी की तरफ से दिल से नमस्ते और स्वागत करते हैं। बस बहुत अच्छे किया है काम। कितना जो है माल वहाँ पर आपको मिला? वहाँ माल मिला है आपका 100 प्लस पड़ा होगा। तो क्या कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट दिया है कि हमारा बीड़ी मेरी माँ है, हमारा वहाँ में जब बंगाल है, बंगाल में बीड़ी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बीड़ी के वजह से हमारा कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कंपनी का स्टाफ वर्कर्स जो होता है ना, वो 20,000 वर्कर्स अभी नकली के चक्कर में बैठ गया। धीरे धीरे कंपनी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी जब मेरा सेठ जब सुबह उठता है तो जब जागता है तब सब रोता है कि काम दो, कुछ काम दो। इसलिए भेजा कंपनी हम लोगों को बोला कि तू कुछ काम कर, क्या गरीब आदमी नाक भूखा रह रहा है। एक तो लॉकडाउन पे काम नहीं है, दूसरा काम ऐसा हो रहा है कि दिक्कत बड़ी बड़ी दिक्कत आ रहा है। कैसे भी करके नकली को बंद करवा बस, ऐसे इसलिए इसी चक्कर में आज सुबह 4 बजे से अभी तक नकली के बजाय हम घूम रहे हैं। बस यही चाहता हूँ कि नकली बंद कर दो, जो नकली काम कर रहे भाई मेरा ब्रांड छोड़ के काम करो भाई, क्योंकि बहुत बहुत गरीब आदमी बहुत रो रहा है। कौन से ब्रांड की आपकी बीड़ी? हमारा ब्रांड है 203 सी बीड़ी। ठीक सर, एक बीड़ी की दुकान पर जो कंपनी के द्वारा छापेमारी की गई थी, पुलिस वहां पहुंची थी, क्या पूरा मामला था, क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? हमें इतला मिली थी इनके कंपनी के द्वारा 203 शिव बीड़ी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उन्होंने हमें कंप्लेन दी थी,
जिस पे हमने उनकी इमदाद करके वहाँ मौके पे गए, तो वहाँ नकली बीड़ियाँ मिली है जिस पे हमने पर्चा दर्ज कर लिया है कॉपीराइट एक्ट का, और अभी इस बारे में और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी चल रही है। तो कितनी मात्रा मिली है? दो कार्टन मिली है उनकी, जिसमें एक कार्टन में 80 पुड़े और एक कार्टन में 48 पुड़े बरामद किए गए। हाँ, एक गिरफ्तार हुआ है अभी एक व्यक्ति, यहीं का गोहाना का ही है, हंसराज उर्फ काली, उसको हमने गिरफ्तार किया है। कितने समय से ये इस तरह का काम कर रहा था? ये कुछ ही दिनों पहले से इसने शुरुआत करी थी और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे भी आगे होगा बताया जाएगा।